संत समाज, सज्जनों और देवियों, हमारा जीवन कर्ममय है। ये जो 3.5 हाथ का शरीर खड़ा है, कर्मों से खड़ा है, और जीवन में हर समय मनुष्य कर्म करता है। कर्म से ही जीवन है और कर्म से ही सुख दुख है। कर्म क्या है, कर्म के प्रकार कितने हैं, कर्म का प्रेरिता कौन है, कर्म फल भोग कैसे होते हैं, कर्म फल भोगों में माफी है कि नहीं, कर्मों से ऊपर उठने का तरीका है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म उसे कहते हैं जो इच्छा पूर्वक किया जाए। जो इच्छा पूर्वक नहीं किया जाता वो कर्म नहीं है, क्रिया है। जैसे पलके उठती और गिरती है, सांस आती जाती है, रक्तों का वहन होता है, ये क्रिया है, कर्म नहीं। लेकिन जो हम सोचते हैं और बोलते हैं और इंद्रियों से करते हैं, ये कर्म है। इसकी भूमिका में मन है, इसीलिए कर्म बन जाते हैं। कर्म के प्रकार दो हैं, एक पाप एक पुण्य। पाप पुण्य किसे कहते हैं, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को पीड़ा देना, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों को संयत करना और दूसरे को सुविधा देना, ये पुण्य है। आप कह सकते हैं कि ऐसे भी धार्मिक हैं जो देवता और ईश्वर को खुश करने के लिए प्राणियों की हत्या करते हैं और कहते हैं ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म नहीं हो सकता, ये जंगली युग के अवशेष संस्कार हैं। जंगली युग में ज्ञान जब बहुत कम था, देवताओं और ईश्वर के नाम से प्राणियों की हत्या करके उन्हें खुश करने की चेष्टा थी, और उसका अवशेष आज भी बना है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, इतनी शिक्षा बढ़ गई है, लेकिन आज भी ईश्वर को खुश करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए निरीह प्राणियों को काटा जाता है। ये तो स्वयं विवेक करना चाहिए, किसी प्राणी को तकलीफ देना पुण्य कैसे होगा। हमारे अंग में कांटा चुभ जाए कितनी पीड़ा होती है, छुरी उठा करके दूसरे को रेतना पुण्य कैसे होगा। वो देवता कैसा है और ईश्वर कैसा है कि किसी प्राणी को तड़पते देख करके खुश होता है। इसलिए बिल्कुल गलत धारणा है। पाप और पुण्य की परिभाषा साफ है, अपने मन को और इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। हमारे मन इंद्रिय जितने चंचल होंगे दूसरे को पीड़ा हम देंगे। अपने मन इंद्रियों को संयत करना और दूसरों को सुविधा देना पुण्य है। पापपूर्ण कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, प्रायः लोग कहते हैं ऊपर वाला करवाता है। आदमी तो कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा सबसे करवाता है। अगर आप कठपुतली हैं तो आप जिम्मेदार नहीं हैं कर्मों के, क्योंकि कठपुतली तो जड़ है,
सूत्रधार पर्दे के अंदर से बैठ करके कठपुतलियों को नचाता है सूत्र के आधार पर। अगर इसी ढंग से आप हैं कठपुतली तो आप निर्दोष हैं, फिर आपको दंड क्यों मिल रहा है? एक आदमी चोरी करता है तो कठपुतली ईश्वर ने उससे चोरी करवाई है, वो निर्दोष है, फिर जेल क्यों जाता है? ये बात ठीक नहीं कि ईश्वर सूत्रधार है और आप कठपुतली हैं। वस्तुतः हर इंसान अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है, स्वतंत्र कर्ता है। स्वतंत्र कर्ता पाणिन सूत्र भी है, पाणिन ने अपने व्याकरण ग्रंथ में सूत्र दिया स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही कर्ता होता है, और कर्ता भोगता होता है, जब करेगा तो भोगेगा। ईश्वर आपसे पाप पुण्य करवाता है, ये कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। ये कहने सुनने में बड़ी भक्ति लगती है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में महाभ्रम पैदा करता है। अगर ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो दुनिया में जितने सत्कर्म होते हैं वो तो समझ में आते हैं, ईश्वर करवाता है, और जितने दुष्ट कर्म होते हैं उसका क्या समाधान है? घूस लिया जाता है, मिलावटबाजी की जाती है, व्यापार में घोटाला किया जाता है, राजनेता कितना बड़ा बड़ा गबन करते हैं। हर क्षेत्र में देखो, धर्म के क्षेत्र में एक तरफ भगवान है और एक तरफ दुराचार है। भगवान की मूर्ति रख ली गई, पीछे दुराचार किया जा रहा है। जहाँ मूर्ति नहीं है वहाँ भी काम है, जहाँ साधन नहीं, संयम नहीं है, उपासना गृह है, अस्त्र शस्त्र वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, गोलबंदी की जा रही दूसरे पर हमला करने के लिए, ये कौन करवा रहा है? संसार में जितने दुराचार होते हैं आपसे छिपे नहीं। अगर ईश्वर सबका कराने वाला है तो इसका समाधान क्या है? इसलिए भावुकता में बात कहने से काम नहीं बनता, विवेक से बात कीजिए, भावुकता में नहीं। एक सज्जन ने कहा, महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा है और फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याही है, आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया, भाई हमारी कृपा से और काम हुआ अच्छा हुआ है, पड़वा मरना अच्छा नहीं। तो उनकी आदत थी आपकी कृपा से सब बात में, कोई विवेक विचार नहीं, ना तो हमारी कृपा से उनके यहाँ पानी बरसा है, ना हमारी कृपा से उनको फसल हुई है, सब उनका व्यवहार है, प्रकृति का है, पानी बरसता है नहीं बरसता है, लेकिन भावुकता। इसी प्रकार हर बात में ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो जितने दुराचार होते हैं वो किसकी इच्छा से होते हैं? इसलिए हर इंसान अपने सोचने बोलने और करने के लिए जिम्मेदार है। आप जो सोचते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ईश्वर है? ईश्वर नहीं, आप है। आप जो बोलते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं, और आप जो करते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं। यही वास्तविकता है, और इसी को मानने से सुधार है। जब आप ऐसा मानेंगे तब सुधार करेंगे, क्योंकि आप ही सोच रहे हैं, प्रकृति आपसे सोचा रही है, ये भी गलत है।
कुछ लोग जो मानते हैं कि हमारे मन में विकार जो आते हैं तो प्रकृति का प्रकोप है, उसमें हमारा दोष नहीं, माया है। माया किसने बनाया? माया पर भी विचार करने की चेष्टा की जाएगी। पहले कर्म, आप और हम ये सोचें कि बोलना, सोचना और करना, कर्म में तीन आते हैं, तीनों के हम जिम्मेदार हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे मुख से बात निकल गई, मेरे मन में थी नहीं। मन में नहीं थी तो निकल कहाँ से गई? मन में थी तब निकली। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैंने असावधानी की, बिना सोचे बोला, ये नहीं कह सकते मेरे मन में नहीं था और निकल गया, था तब निकला। आदमी अपने को धोखा देने में बहुत लगा रहता है। शास्त्रों में सब प्रकार की बातें लिखी है, उल्टा सीधा, उसमें कोई ठिकाना नहीं है कहाँ क्या है। शास्त्रों के बातों पर विचार करना हमारा आपका काम है। कबीर साहब की ये साखी जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। यहाँ साधु का मतलब हम लोगों के कपड़े वाले नहीं, साधु सज्जन अच्छा आदमी वह है, सूप स्वभाव वाला, जो सूप स्वभाव वाला, सूप में रख करके अन्न फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है। ऐसे सूप स्वभाव बनो, हर जगह सारा सार का निर्णय करो, सार लो असार छोड़ो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। कबीर साहब सूप की तरह अपना स्वभाव बनाने की राय देते हैं। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, सत्यमेव तितुना पुरंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रैषां लक्ष्मीर निहितादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्यमेव तितुना, सत्तू की तरह चालो, भुना हुआ आटा सत्तू कहलाता है। आटा चालो अर्थ ले लो, चलनी से आटा चला जाता है, चोकर अलग कर दिया जाता है, आटा ले लिया जाता है। मनसा वाचम कृत, इसी प्रकार मन से वाचम अकृत, मन से वाणी को करो, यानी विवेक से वाणी को छानो। अत्रा सखाया सख्या न जानते, जहाँ इस तरह से निरछिर निर्णय है वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं, और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती। कबीर साहब शुभ का उदाहरण देते हैं और वैदिक ऋषि चलनी का, दोनों राय देते हैं कि विचारवान बनो, आँख मूंद करके न मानो। शास्त्र में सब लिखा, उल्टा से उल्टा भी लिखा है, सीधा भी लिखा है। आप सहज हिंदी में रामचरितमानस लो, उसमें लिखा है कर्म प्रधान विश्र चिराखा, जो जस करे सो तस्फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार में, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी को कोई सुख दुख नहीं देता, अपने ही कर्म अपने को सुख दुख देते हैं। ये दोनों चौपाइयाँ न्याय हैं, सत्य, लेकिन उसी में लिखा है, बोले बिहंस महेश पुनि, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जैक्षण रघुपत जस करे तेक्षण तैसन होए। महेश हंस करके बोले कि अय पार्वती, दुनिया में न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, रघुनाथ जब जिससे जितना करवाते हैं उस क्षण उतने होता है बस। कोई घूस ले रहा है तो रघुनाथ ने उससे घूस
लेने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका की बिल्डिंग जो तोड़ी गई तो रघुनाथ ने तोड़वाया। कहीं आपके देश में डाका पड़ता, हत्या होती, सामूहिक हत्या होती, तो ईश्वर ने उनसे कहा भाई जाओ हत्या करो। क्या ये सच है? ये भावुकता के वचन है। भावुकता के वचन यथार्थ नहीं होते। किसी की बात इसलिए न मान लो कि वो प्रसिद्ध हैं, इसलिए भी न मान लो कि बड़े संत हैं, इसलिए भी मत मानो कि पुरानी पुस्तक में लिखा है, इसलिए भी न मानो कि उसको बड़ी जनता मानती है, किंतु अगर वो निर्णय युक्त है तो मानो, निर्णय युक्त नहीं है तो मानने से कल्याण नहीं है। आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज लिखा है, संस्कृत में ये सब है कलिवर्ज, यानी कलिकाल में ये गलत बात है, नहीं चलना चाहिए। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। आप ध्यान दीजिए, वैदिक मुद्दे हैं वो, और पंडित कहता है ठीक नहीं। कलिवर्ज का एक रूप लीजिए है तो 55 मुद्दे, वो सब गिनाने के यहाँ अवसर नहीं है। एक लीजिए, नियोग से बच्चा पहले पैदा होते थे। कौरव पांडव करीब करीब नियोग से पैदा किए गए। अगर पुरुष कमजोर है उससे गर्भधारण स्त्री को नहीं हो सकता है, तो वो दूसरे पुरुष से गर्भधारण करा ले और उसको जायज माना जाएगा। ये पहले युग में था। पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है, कलिकाल में ठीक नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं जो वैदिक हैं और पंडितों ने उन्हें त्याग देने की राय दी है, तो किताब में लिखा है इसलिए कैसे मान लें? किताब में तो जानवरों को काट करके देवता को खुश करने की बात लिखी है, लेकिन आजकल पंडितों ने त्याग दिया है, सैकड़ों वर्षों से त्याग दिया है, अभी कुछ है कसर। हिंदू धर्म का राष्ट्र नेपाल कहा जाता है, वहाँ बहुत पशुपद है देवता को खुश करने के लिए, हिंदू के अलावा भी हैं जो बहुत हैं, और वो पशुपद करके ईश्वर को खुश करने के चक्कर में हैं, ये भी भूल है। तो भावुकता की बात और विवेक की बात में बड़ा अंतर है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कोई आपसे करवाता नहीं। आपने अगर गलत सोचा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आपने गलत बोला है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, अब आपने गलत किया है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, फल आपको मिलेगा। अच्छा सोचे हैं, अच्छा बोले हैं, अच्छा किए हैं, तो अच्छा फल होगा। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। कर्म फल भोग कैसे होता है? जो हम पाप पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर उसका फल भोग देगा। ईश्वर क्या है? अगर ईश्वर कोई व्यक्ति है तो फल भोग नहीं दे पाएगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना, और सोचने से क्रमबद्ध काम होता है, एक बार की नहीं। जैसे एक टिकट काटने वाला बाबू खिड़की पर बैठा है तो एक एक टिकट क्रम से काटेगा। व्यक्ति का लक्षण ही होता है क्रम से काम करना, सिलसिले से काम करना। एक एकड़ खेत में गेहूं बोया गया और हर दाने को किसान फोड़ फोड़ करके अंकुरित करे तो ये असंभव है। एक दाना फोड़े, अंकुरित हो, फिर दूसरा करे, कब तक करेगा? लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, गर्मी, ऋतु, सारी अनुकूलताओं से करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। ये विश्वव्यापी नियम है।
आप देखें असंख्य जीव क्षण क्षण दें धरते और छोड़ते हैं। मनुष्य तो केवल जीव नहीं है, मनुष्य तो गिने चुने हैं, कहते पूरी दुनिया में 7 अरब आदमी हैं, लेकिन आपके हिंगन घाट में कितने मच्छर हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने भुनगे हैं, कोई गिन नहीं सकता। असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं, और इनकी व्यवस्था व्यक्ति ईश्वर कैसे कर सकता है? जो सोचता हो और करता हो व्यक्ति, एक ईश्वर एक व्यक्ति ठहरा कैसे कर पाएगा? इसलिए नियम है, विश्वव्यापी नियम, अनादि नियम है। जीव जो कुछ कर्म करते हैं सूक्ष्म शरीर में उनके बीज टिकते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद फिर देह धरते हैं, बीज के अनुसार वृक्ष आता है। बट का दाना बहुत महीन होता है लेकिन उसमें विशाल वृक्ष पैदा होता है और सैकड़ों वर्ष रहता है, हजारों वर्ष रह सकता है। लेकिन मटर का दाना बहुत बड़ा होता है बट दाने से, किंतु उसमें जो पौधे होते हैं महीने दो महीने में सूख करके ख़त्म हो जाते हैं। ये बीजी असर है। जीव के अपने कर्म संस्कार चलते हैं साथ में, जो अनादि नियम है, उन नियमों से कर्मों का फल भोग होता है। जो कुछ हम कर्म करते हैं उनके संस्कार मन में बनते हैं। शरीर जब छूट जाता है तो संस्कारों का पुंज जीव के साथ चलता है और उसी के अनुसार देहधारण होता है और फल मिलता है। विश्वव्यापी नियम ही ईश्वर है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, विश्वव्यापी नियम है। कर्मों के दंड से क्या कोई छुटकारा दिलाने वाला है? हमने पाप किया, भगवान का नाम लिया, पाप कट गया। ये नुस्खा मजाकों ने बनाया है लेकिन ये गलत है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना इसीलिए लोगों ने की, ईश्वर एक व्यक्ति है, वो दया करता है, कोप करता है, उसकी खुशामद की जाए, प्रार्थना की जाए और लड्डू चढ़ाया जाए तो हमारे पापों को काट देता है और बिना हमारे परिश्रम के भोग और मोक्ष दे देता है। इस प्रकार की कल्पना अपनी सुविधा के लिए की गई, क्योंकि आदमी कमज़ोर है, वो बुरा कर्म करता है तो बुरा तो कर दिया लेकिन वो उसका फल नहीं चाहता है, बुरे का फल नहीं चाहता है। भोगी है, आलसी है, इसलिए साधना और त्याग करना नहीं चाहता है। कोई ऐसा भगवान मिल जाए जिसका नाम जपने से मोक्ष मिल जाए, भोग मिल जाए तो कितना सुंदर है। इसलिए लोगों ने ऐसा ईश्वर गढ़ा है जो ईश्वर का नाम लेते ही पाप कट जाता है और भोग मोक्ष सब मिल जाता है। इस ढंग से अपनी सुविधा के लिए सब बनाया गया है। असली ईश्वर व्यक्ति नहीं है, वो आपकी प्रार्थना की इच्छुक नहीं है, आपसे लड्डू नहीं चाहता है। आप यथार्थ कर्म करो, जो करोगे कंप्यूटर की तरह वो आपके सामने कर देगा, उसमें क्षमा दया नहीं। ये नियम है, इसके लिए आप इसी जीवन में देख लो, लहसुन प्याज खाओ, दुर्गंधिक डकार आ रही है तो नाम लो, जो नाम आप मानते हो नाम लो, पूजा करो, लड्डू चढ़ाओ, देखो डकार आना बंद हुआ कि नहीं। ना नाम लेने से बंद होगा, ना मंत्र पढ़ने से बंद होगा, ना लड्डू चढ़ाने से बंद होगा, वो जब पच जाएगा तभी ख़त्म होगा। क्षमा करने वाला कोई नहीं, कर्म का फल भोग सबको होता है। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा,
तो पंडितों ने क्षमा नहीं किया महाराज राम को, उन्होंने लिखा कि राम ही कृष्ण हुए और जरा राम के व्याध से मारे गए, क्योंकि राम ने छिप करके मारा था, उचित नहीं। श्री कृष्ण महाराज ने शिषपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में लूले बैठे। विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व तो नष्ट किया तो उसके फल में वो पत्थर बन गए, शालिग्राम पत्थर। जब कर्म का फल भोग इन सब को हो रहा है, हम लोग किस खेत की मूली हैं? इसलिए जो माफी कराने का चक्कर है वो कर्म सिद्धांत को काटता है और मनुष्य में अमानवता पैदा करता है। माफी कराने का चक्कर ये दो नंबर का धंधा, एक नंबर का नहीं, बहुत गलत है। माफी कभी होने वाला नहीं है। हाँ, बुरे कर्म हो गए, अब बुरे कर्म न करो, बस माफी है। अच्छे कर्म करो, धीरे धीरे रास्ता अच्छा हो जाएगा। जो चोर होते हैं, हिस्ट्री सीटर होते हैं, वे भी जब चोरी छोड़ देते हैं और वर्षों बीत जाता है तो पुलिस भी थाने से उसका नाम काट देती है। सुधार का रास्ता है गलत रास्ता छोड़ देना। पाप करते रहो, गंगम नहाते रहो, कटता रहेगा। राम राम कहते रहो, गायत्री जपते रहो। ये सब धांधले बाजी करके कर्म सिद्धांत को नष्ट कर दिया गया है। कर्म सिद्धांत में आस्था ही घटा दिया गया है। लेकिन असलियत क्या है? जो हम करेंगे वो फल आएगा। हमने चोरी की, 10-20 लाख रुपए का माल ले आया, 2-4 हज़ार रुपए की मिठाई, कपड़े, फूल माला इत्यादि और कुछ नगद लेकर के मंदिर में पहुंच गए, भगवान से प्रार्थना किए, रोने लगे, बहुत रोए, भगवान पिघल गया, लड्डू पा गया, रुपया पा गया, फूल माला पा गया, गदगद हो गया, अब माफ़ कर दिया। घूस लेने देने के आप आदि हैं, भगवान को भी घूसखोर बनाना चाहते हैं, घूस दे दे काम बन जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। ईश्वर घूस नहीं लेता है, ईश्वर अपने प्रार्थना का भूखा नहीं है। प्रार्थना का भूखा तो कमजोर आदमी होता है, खुशामद पसंद। ईश्वर किसी की प्रार्थना नहीं चाहता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर रहे बया कुछ कम न थे। एक कवि कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें दुनिया में भेजा कि तुम दया करो प्राणियों पर, अपनी प्रार्थना कराने के लिए नहीं भेजा है। उसके पास फरिश्ते कम नहीं थे, वो लाइन लाइन बैठा देता कि करो हमारा गुणान बाद। ये भी एक समझाने का तरीका है। अर्थ है कि प्रार्थना से मन थोड़ा कोमल होता है, इतने भर है, पाप नहीं कटेगा। पाप करना छोड़ो। इसलिए कर्म सिद्धांत को हमें ठीक से समझना होगा। हमारे कर्मों को कोई काट नहीं सकता। कर्म कटेंगे उस पथ को छोड़ने से। कोई आदमी लंपट है, लंपटता छोड़ दे, संयम धारण कर ले, लंपटता के कर्म कटेंगे। कोई चोर है, चोरी छोड़ दे, ईमानदारी से काम करने लगे, चोरत्व के संस्कार कटेंगे। जितने दुर्गुण हैं उनको छोड़ देने पर जीवन में सद्गुण आ जाते हैं और अपने आप कल्याण का रास्ता साफ होने लगता है। कर्मों से ऊपर उठने का रास्ता है कि नहीं? कर्मों से ऊपर उठने का रास्ता है। कर्मों से ऊपर उठ करके ही मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में मानसिक पीड़ाओं से रहित रहना, मन में कोई क्लेश न होना, ये मोक्ष है। मोह का क्षय मोक्ष है। मोह से मोह, छ से छ, सरल अर्थ कर लो, मोह का क्षय मोक्ष है। वैकुंठ विकुंठ
कुंठा रहित हो जाना, मानसिक ग्रंथियों से मुक्त हो जाना वैकुंठ। स्वर्ग स्वामे गमन, स्वर्ग का पदच्छेद कीजिए स्वर्ग, स्वामे गमन अपने में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त है। कर्मों से ऊपर उठने का रास्ता है अनासक्त होकर के कर्म करना। आसक्ति पूर्वक जो कर्म किए जाते वो बांधते हैं। अगर हम आसक्ति छोड़ दें तो बच्चों को पालेंगे कैसे, माताएं प्रश्न कर सकती हैं। कबीर साहब ने कहा है, कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माँ, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाए। संत जन कमल पत्ते के समान होते हैं, कमल फूल कमल पत्ते पानी में रहते हुए उससे ऊपर। दूसरा उदाहरण है, बालक की धाय बालक को अपना नहीं मानती। धनी घरानों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पालने पोसने के लिए नौकरानियाँ आती हैं, उनको धाय कहा जाता है। वह बच्चों को उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, पुचकारती हैं, प्यार देती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन नौकरी छोड़ करके जाने लगती हैं तो दुखी नहीं होती, समझती मेरा नहीं। इसी प्रकार हमें और आपको इस संसार में रहना है। स्वजनों परिजनों से प्यार का व्यवहार करें, ममता न बांधें। प्री से प्री के वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। ये संसार ऐसा है, जो परम प्यारा है उसका वियोग निश्चित है। इसलिए मोक्ष का रास्ता कर्म सिद्धांत, कर्म से ऊपर उठने का रास्ता अनासक्त कर्म है। गीता में इस पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है, अनासक्त हो करके कर्म करो। सभी संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा, कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। लंबा पद है, उसमें ये बात आती है, कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करे लेकिन अकर्मी रहे, कर्म करके अकर्मी कैसे रहे, अनासक्त हो करके कर्म जो करता है वो अकर्मी रहता है। आसक्ति नहीं, अस्पृहा नहीं, कर्तव्य दृष्टि से कर दिया। इस प्रकार जब आसक्ति आदमी छोड़ देता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है, माया। माया क्या है, इसमें भी बड़ा भ्रम है। भगवान की माया सबको परेशान करती है। क्या करें महाराज, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं है। महाराज आपके सत्संग में आ नहीं सका, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं। इसका मतलब ईश्वर खुराफाती है क्या, वो माया में सबको उलझाता है, ऐसी बात नहीं। ईश्वर खुराफाती नहीं, ईश्वर माया क्यों रखेगा। जो सच्चिदानंद है, दयालु है, कृपालु है, आप कहते हो और फिर कहते हो माया रखे और सबको नचाता है। जैसे कोई कटही कुतिया रखे हो और सब पर दौड़ा दे, सबको काटे, उसको कौन अच्छा मानेगा। भगवान अपनी माया सब पर दौड़ा देता और सबको रुलाता रहता है, ये कितनी गलत व्याख्या है। हमें और आपको जो माया नचाती है वो ईश्वर की माया नहीं है, हमारी आपकी माया है, अपनी माया हमने बनाई है। माया क्या है, मन का मोह।
आपने तम्बाकू खाना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया, ईश्वर की माया है कि आपकी माया है? एक लड़का एक लड़की से मोह करने लगा, कॉलोनी वाले मोहल्ले वाले सबको खटक रहा, लड़की के पक्ष और लड़का का पक्ष दोनों को खटकता है, और एक आंदोलन जैसा एक क्षोभ जैसा मोहल्ले में उत्पन्न हो गया। ये ईश्वर की माया है और लड़के की माया है? लड़के के मन का मोह माया है। जो एक अनधिकृत लड़की पर वो मोह करने लगा, विवाह के बाद अपनी पत्नी बन जाए करो उससे मोह, पराई लड़की पर मोह करने क्या अधिकार है? या लड़की विवाह करके किसी लड़के पर मोह करे, पराई लड़के पर मोह करने क्या अधिकार है? अनधिकृत मोह यह है, ये माया। अंततः तो अपना माना गया, उसमें भी मोह करना माया ही है। मोह माया है, और मोह हम अपनी भूल से स्वयं बनाते हैं। हमारे लिए ईश्वर ने मोह नहीं बनाया, किताबों में लिखा है कि भगवान की माया सबको भटकाती है, ब्रह्म की माया अनिर्वचनीय है, अघटित घटना पटीसी है, द्वितीया है, यानी उसको तरा नहीं जा सकता है, बड़ी गरीसी बड़ी कठिन है। ईश्वर की माया, ईश्वरे चाहे तो बचावे, हम क्या बच सकते हैं? ये सब विचार निश्चित है कल्याण के घोर विरोधी है। हमें और आपको परेशान करने वाली जो माया है वो हमारे और आपके मन का विकार है, मोह है, जो अज्ञान से पैदा है, उसके हम जिम्मेदार हैं। जितनी गलतियां हमसे होती हैं माया के कारण होती हैं, अब वो माया हमारी बनाई है। माया है मन का अज्ञान, मन का मोह, और उसे हमें ही काटना पड़ेगा। कोई भगवान हमारी माया काटने वाला नहीं, कोई ईश्वर हमारी माया नहीं काट पाएगा, गुरु भी हमारी माया नहीं काट पाएगा। गुरु रास्ता बताएगा, वो कहेगा देखो मैंने अपनी माया को काट दिया है, तुम भी काटो। और गुरु का उपदेश करना कम नहीं है, बहुत है। उपदेश करने वाला कोई न मिले तो हमारी आंखें खुलेंगी नहीं, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। मैं तो स्वयं सोचता हूँ मुझे गुरुदेव न मिले होते तो क्या मैं इस स्थित में आज होता। गुरु का अनंत उपकार है, लेकिन गुरु रास्ता दिखा देता है, करना पड़ता है खुद को। हाँ, ऐसे गुरु सस्ते हर समय में हैं कि जो आपको आनंद फानन में ईश्वर दर्शन कराते और मोक्ष देते हैं। वो गुरु महाराज के आचरण का ठिकाना नहीं है, ढोंग बना के बैठे हैं चमत्कारी बाबा। आजकल कई दर्जन अवतार गुरु हमारे देश में हैं, और वो समाज को धोखा देने में कमर कसे। ईश्वर दर्शन कोई बाहर से जो दर्शन होता है ईश्वर होता है? यह चक्षुषा न पश्यति इन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्धनेदं यदुपास्ते केन। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि आँखों से जिसको हम नहीं देख सकते, जिसकी सत्ता से आँखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान, आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं। गोस्वामी जी भी कहते हैं गो गोचर जहलग मन जाई सो सब माया जान्यो भाई। इंद्रिय और इंद्रियों का पसारा और मन जहाँ तक है सब माया है। देखी सुनी गुनी मनवाही मोह मूल परमारथ नाही। वेदों में शास्त्रों में उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है कि किसी ईश्वर का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार की बात है। अपने आत्मा को समझ लेना, सारे विकारों से छुड़ा लेना, ये आत्म साक्षात्कार है। ये तो पुराणों और महाकाव्यों में ऐसी बातें बहुत लिखी गई,
और जनता उसी में भटक गई। और ये हमारे गुरु जी यहाँ आ जाओ, एक ने कहा आप गुरु की कहे यहाँ के कहे ईश्वर का दर्शन कराया कहे अभी नहीं कराया, कहे हमारे गुरु के पास आ जाओ उसी दिन ईश्वर के दर्शन करा दे। ये ईश्वर के दर्शन कराने वाले हैं। तो भटकाव बहुत है, माया जो हमें भटकाती है वो हमारी बनाई है, हम ही को उसे नष्ट करना होगा तभी हम माया से मुक्त होंगे। माया है मन का मोह, माया माया सब कहे माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, जो मन से न उतरे वही माया है। मोह कर लिए तो नहीं उतरता है, वैर कर लिए तो भी नहीं उतरता है। जिसके लिए आपके मन में वैर की भावना होगी दिमाग पर वो चढ़ा रहेगा और उसको नष्ट करने के चक्कर में लगे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मन से सोचते रहेंगे। और जिसमें मोह हो जाएगा उसको जायज नाजायज संपन्न बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे। परमार्थ का रास्ता है स्वावलंबी, अपने कदमों पर खड़ा होना। हम और आप अपने कदमों पर खड़े हों और यही वास्तविकता है। हमने अपने जीवन में स्वयं बंधन बनाया है, स्वयं विकार बनाया है, स्वयं दुर्गुणों का अर्जन किया है, हमें उन्हें स्वयं काटना है। कोई बाहर से काट नहीं सकता है। माया विकार दोष दुर्गुण ये मन जनित है और अपने अपने मन के सब साक्षी हैं। हमारे मन को दूसरा क्या जाने, हमारे मन को दूसरा बदल कैसे सकता है, कोई उपदेश कर सकता है और उसके उपदेश को सुन करके हम अपने मन को बदल सकते हैं। इसलिए माया प्रभु माया प्रभु की माया सबको भटकाती है ये बात ठीक नहीं। अपनी अपनी माया सबको भटकाती है, प्रभु को दोष आप क्यों देते हैं? प्रभु दुर्जन नहीं है, प्रभु असंयत नहीं है, प्रभु सबको तकलीफ नहीं देता है। भक्ति के नाम पर प्रभु को ही बदनाम करना कौन सी भक्ति है? हमारे साथी लोग कहें कि हमारे गुरुजी ही हमें भटका रहे हैं तो क्या मतलब हुआ फिर? हमारा उनका संबंध बेकार है। अगर ईश्वर ही हमें भटका रहा है तो ईश्वर को छोड़ देने की जरूरत होगी फिर? अपने मुख की बात अपने कान से लोग नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि ईश्वर की माया हमें भटकाती है ये मानना। हमारी अपनी अपनी माया हमें भटकाती है। जो मैं कहता हूँ इस पर आप सोचिए, मैं कहता हूँ मान न लीजिए, स्वयं सोचिए। अगर आप निष्पक्षता से सोचेंगे तो स्वयं इसका बोध होगा कि हम और आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। कल्याण का रास्ता वही जो स्वतंत्र हो, अपने कदमों पर हो। ऋषियों मुनियों ने ज्ञान को उपदेश क्यों दिया, ग्रंथ क्यों बनाया? संतों ने ग्रंथ क्यों बनाया, रास्ता क्यों दिखाया? आपको स्वतंत्र समझकर कि आप सुनेंगे पढ़ेंगे सोचेंगे अपने को सुधारेंगे। अगर आप किसी के अधीन हैं स्वतंत्र नहीं हैं और वही जो चाहेगा कराएगा तो ये अध्यात्म का मनन चिंतन सब बेकार है, ग्रंथ पंथ बेकार है। इसलिए इन बातों पर सोचने की ज़रूरत है। हम पुरानी भावधारा में बहे जा रहे हैं और पुरानी भी नहीं है, ये बीच की है। उपनिषदों में आप देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान की माया नचा रही और भगवान का नाम ले लो तो पाप कट जाएगा। उपनिषदों में तो लिखा है यथा संकल्पो भवत तत्कर्तृभवत्, यत् कर्तृभवत् तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदप संपद्यते। आदमी जैसे संकल्प वाला होता है वैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है, और जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। ये उपनिषदों का चिंतन है।
लेकिन पुराणों के चक्कर में लोग भटक गए। पुराणों में भी अच्छी बातें बीच बीच में हैं। नीर छीर विवेक आपको हर जगह करना पड़ेगा। आप पत्थर में से सोना निकाल लेते हैं, मिट्टी में से तेल, पेट्रोल, पानी निकाल लेते हैं, भूसी में से चावल निकाल लेते हैं। हर जगह आप छान करके सार लेते, असार छोड़ते हैं। ऐसे वाणियों पर भी विचार करना होगा, मंथन करना होगा। तत्व क्या है? इतनी विशाल परंपरा धर्म की, सब प्रकार की बातें उल्टी सीधी कही गई। धर्म के नाम पर अधर्म खूब किया गया, गुरु के नाम पर धोखेबाज अनेक हुए, आज भी आगे भी होंगे। शास्त्रों के नाम पर वाम मार्ग में क्या लिखा? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतित भूतले। शराब पियो पियो पियो, जब तक पी पी करके जमीन पर न गिर जाओ, पीते रहो। अब पांच बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। अब ये संस्कृत में लिखा है, संस्कृत भाषा देव भाषा है, ये क्या मान लिया जाए? संस्कृत में कोई गाली दे तो क्या मान लिया जाएगा? देहाती में कोई मीठी बात कहे तो क्या नहीं माना जाएगा? पुराने ग्रंथ तो भारत के सब संस्कृत में करीब करीब बने हैं। तो भाषा निर्दोष है। अब भाषा में आप गाली देते हैं कि आशीर्वाद देते हैं, आपका विचार है। इसलिए विवेकी बने। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। शब्दों की छाया पकड़ करके लोग भटकते रहते, लिखा है लिखा है लिखा है। अरे लिखा तो है, लेकिन विवेक क्या है? एक पुरुष गया परदेश, दो वर्ष हुआ नहीं आया। उसकी पत्नी ने पत्र लिखवाया, आ जाओ, तब भी नहीं आया। तो जल करके लिखवाए कि तुम्हारे रहते मैं राण हूँ। वो पत्र पाया, किसी से पढ़वाया, तो जब पढ़ा उसने कि पत्नी ने लिखा है तुम्हारे रहते राण हूँ, तो रोने लगा। रोते रोते अपने क्वार्टर पर गया। लोग कहे, भाई क्यों रोते हो? कहे, भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे, तुम खुद जीवित हो तो कैसे पत्नी राण हो गई? कहे, देखो भैया ये लिखा है। चिट्ठी दिखाने लगा। तैसे हम चिट्ठी दिखाते हैं, किताब दिखाते हैं, किताब में लिखा है। किताब लिखने वाले मनुष्य हैं, इसलिए निर्छीर विवेकी होना पड़ेगा। कोई परंपरा, कोई पंथ, कोई पोथी सब आदरणीय है, लेकिन निर्णय सर्वोच्च आदरणीय है। निर्णय से हमें काम लेना होगा। पोथी, परंपरा, महापुरुष सब वंदनीय है, और एक नहीं, कबीर वंदनीय है, बुद्ध वंदनीय है, रामकृष्ण वंदनीय है, ईसा मूसा मोहम्मद वंदनीय है, दुनिया के जितने महापुरुष सब वंदनीय है, और दुनिया की जितनी किताबें हैं वेद से कुरान बाइबिल लेकर सब आदरणीय है। हिंदू समाज आदरणीय है, मुस्लिम समाज आदरणीय है, मानव मात्र आदरणीय है, लेकिन विवेक परम आदरणीय है। विवेक की कसौटी से कस करके बातें मानना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के क्षेत्र में आज विज्ञान इतना बढ़ गया है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में पोगा पंथी ज्यों का त्यों विद्यमान है। अगर एक जादूगर जैसा धार्मिक गुरु आ जाए कि उसकी बात सुन लो, उसके दर्शन कर लो, तो लड़का हो जाएगा, रोग कट जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी। महात्मा सिद्ध हैं, आकाश में उड़ते हैं, महात्मा 500 वर्ष के हैं। ये सब बकवास आज भी लोग करते हैं। लोग 100 वर्ष के अंदर में मर जाते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं, कई 100 वर्ष का कोई नहीं होता, आकाश में कोई नहीं उड़ता। आकाश में उड़ेंगे तो हवाई जहाज से उड़ेंगे। तो चमत्कारी बातें धर्म के क्षेत्र में उड़ाने वाले आज भी हैं। आज भी ऐसे गुरु हैं जिनके लिए कहा जाता है मरे हुए जानवरों को उन्होंने जिला दिया।
ये काम कर दिया, वो काम कर, सब धोखेबाजी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको निर्णय होना होगा। मैं कह रहा था कर्म सिद्धांत और माया, इन दोनों की आप परख करें। हमारा जीवन कर्म में है, सुख और दुख ये दो हमारे सामने आते हैं। किसी जीव को दुख प्रिय नहीं है, सुख प्रिय है। और गलत कर्म करके हम सुखी नहीं रह सकते हैं। गलत कर्म है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना, उत्तेजित करना और दूसरों को कष्ट देना, और ये काम करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होंगे जब अपने मन इंद्रियों पर संयम करेंगे और दूसरे को जितना संभव होगा सुविधा सुख देंगे, न सुख दे पाएंगे तो दुख नहीं देंगे। ये रास्ता सबके लिए कल्याणकारी है। इसमें आड़े आती है माया, वो माया मेरी बनाई है। माया है मन का मोह जो हमने बनाया है, अज्ञान से बनाया है। अज्ञान से हमने तंबाकू खाना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया और उसमें गिरफ्त हो करके दुखी हैं, जानते हैं नुकसान दे फिर फंसे हैं। ये हमारी बनाई माया है। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित कर करके सुख चाहे और उसमें इतने उलझ गए, ये अशांत है, रोगी दोषी हैं, ये अपने मन का मोह है। माया मन का मोह है जो हमारा अपना बनाया है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और जितना भी सोचना बोलना करना हमारे द्वारा होता है उसके हम जिम्मेदार हैं। यही तथ्य है और यही स्वीकार करके हम उनसे सुधार सकते हैं। सोचना ठीक करें, बोलना ठीक करें, करना ठीक करें, इसके लिए संतों की संगत करो, गुरु की शरण लो, स्वाध्याय करो, शास्त्रों का ध्यान करो, चिंतन करो, अकेले में रोज बैठो, एक बार, दो बार, तीन बार आत्मशोधन करो, धीरे धीरे रास्ता मिलेगा। अपनी सफाई करो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन के मोह को मिटाओ। कोई बाहर से बैठ करके हमें प्रेरित नहीं करता और हमारे ऊपर माया का हमला नहीं बोलता, किंतु हम ही अपने अज्ञान बस कुकर्म करके दुख पाते और मोह करके माया पैदा करते और दुखी होते हैं। इन बातों पर मनन चिंतन करें और मनन चिंतन करके अपने कल्याण के लिए कदम उठाएं। भावुकता में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई सस्ता गुरु मिल जाए और कहे तुम हमारी शरण में आ जाओ, चाहे जितना पाप करो, शाम को मंत्र जप लो बस पाप कट जाएगा। रात भर का पाप सुबह के जपने से कट जाता है और दिन भर का पाप शाम को जपने से कट जाता है। गंगा जमुना में नहाने से मोक्ष होता है, नर्मदा को तो देख लेने ही से मोक्ष होता है। ये सब बेकार की बातें। मोक्ष होता है तो इसका मतलब नर्मदा को जो देखे हैं वो एक काम क्रोध लोभ मोह से रहित होंगे। मोक्ष क्या मरने के बाद होता है? मोक्ष जीवन में होता है। काम क्रोध लोभ मोह से जो मुक्त है उसी का मोक्ष है, वही मुक्त है। नर्मदा को देख लिए बस मुक्ति हो गई। मुक्ति को लोग तमाशा बना दिए। गंगा में नहाया मुक्त हो गया। गंगा के किनारे जितने गांव और शहर हैं वहां का आप सर्वेक्षण कीजिए, अगर वो सब मुक्त होंगे तो ज्ञान वैराग संपन्न होंगे सबके सब, और वहाँ कोई पाप नहीं होगा, वहाँ जेलखाना नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगी, वहाँ दारू शराब की दुकानें नहीं, कुछ भी नहीं होगा बेकार। गंगा किनारे सब और नर्मदा किनारे कितनी गलत गलत सूचनाएं धार्मिकों ने फैलाई हैं। धर्म की किताबों में सब बकवास है। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो महिमा परक और चमत्कारी, जो मनुष्य को भटका देने वाले हैं।
लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, हम अपने को संभालें, मन को संभालें, वाणी को संभालें, कर्मों को संभालें, अपने मन के मोह को मिटाएं, माया हमारी बनाई है, हमने स्वयं अपने को गड्ढे में डाला है, हमें स्वयं निकलना है। कर बहियाँ बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगर नदिया वह सो कस मरे प्यास। सदगुरु संत सज्जन सहायक हैं, उनका आधार लें और अपने कल्याण का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।